अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मोटरकल विरासत। अच्छा लास्ट टाइम हमने देखा कि एरेज की बेसिक देखी थी और हमने एक दो प्रोग्राम्स लिखे थे। आज हम स्टिल एरेज के अंदर दो तीन प्रोग्राम और देखेंगे ताकि जो हमारा कंसेप्ट है एरे के मुतालिक वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम डेव सी प्लस प्लस पे जा रहे हैं डायरेक्ट। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का बेसिकली पर्पज़ क्या है कि हमने पांच यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, उन पांच वैल्यूज को सम करना है और देन उसका एवरेज भी निकालना है। ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हमने एक एरे बनाई है फाइव एलिमेंट्स की। ठीक है, फाइव एलिमेंट्स की हमने एरे बना दी। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक आई का एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, जो कि लूप काउंटर के लिए यूज होगा, लूप्स के लिए यूज होगा। फिर हमने सम करने के लिए एक वेरिएबल बनाया सम का, जिसमें सम का रिजल्ट आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, और हमने उसमें बाय डिफॉल्ट पहले वैल्यू क्या असाइन करवा दी, जीरो, ताकि फर्स्ट टाइम जो सम के अंदर वैल्यू हो वो जीरो हो। ठीक है, हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया एवरेज के नाम का, उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट पहले वैल्यू है हमने उसको कह दिया कि 0.0, क्योंकि जो एवरेज निकलती है वो पॉइंट्स में भी निकलती है, इसलिए हमने क्या लिया, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फोर लूप चला रहे हैं। हम कहते हैं फोर लूप कब तक चले, आई इज इक्वल टू जीरो, आई जीरो से स्टार्ट करे और आई लेस देन फाइव, मतलब हम चाह रहे हैं पांच दफा हमारी लूप चले और हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। हम उससे क्या कह रहे हैं, मैं कहता हूँ सी आउट करो एंटर वैल्यू। ठीक है, हमने एक मैसेज शो करवा दिया एंटर वैल्यू। सीन कर रहे हैं एरे की आई इंडेक्स के ऊपर। अब आई फर्स्ट टाइम आइट्रेशन पे क्या है, आपको पता है आई फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या है, क्योंकि मैंने आई इज इक्वल टू जीरो किया तो यहां से स्टार्ट होगा। तो आई एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर आप एक वैल्यू इनपुट करवा रहे हो, जैसे ही वैल्यू पुट करवा रहे हो देन आप ये भी कर रहे हो, आप साथ ही सम भी करवा रहे हो, क्योंकि जब आपके पास वैल्यू आएगी साथ ही आप सम किस तरह करवा रहे हो, आप कह रहे हो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे का आई इंडेक्स। सम के अंदर पहले वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब अगर मैं समझाने के पर्पज में लिखूं, इसका मतलब ये है सम इज इक्वल टू सम के अंदर जीरो है तो जीरो प्लस एरे का कौन सा इंडेक्स, आई का। फर्स्ट टाइम अभी आई जीरो है तो एरे के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, जो भी यहां पे वैल्यू पुट करेगा जीरो इंडेक्स पे। सपोज करते हैं यूजर क्या करता है, वन पुट करता है, तो वन अगर जब वो जीरो इंडेक्स में पुट करेगा तो जीरो प्लस वन सम में क्या आ जाएगा आपके पास, उस टाइम पे सम में आपके पास आ जाएगा वन आ जाएगा। आपकी क्या होगी, ये सिर्फ ये वाला जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ समझाने के पर्पज में लिख रहा हूं, मैंने लास्ट पे रेज करते ना। अभी हमारे पास सम के अंदर क्या वैल्यू हो गई, वन। नेक्स्ट आइट्रेशन जब चलेगी हमारे पास लूप की, तो एक इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई इस टाइम पे वन। उसके बाद फिर उसने कहा एरे के वन इंडेक्स के ऊपर इनपुट करवा लिया। सपोज करते हैं कि यूजर ने दोबारा से वन ही पुट किया है, तो इस टाइम क्या होगा, सम के अंदर वैल्यू क्या थी, इस दफा सम के अंदर वन थी, तो अब इस दफा फिर यूजर ने वन किया, तो इस दफा सम के अंदर क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। थर्ड आइट्रेशन के ऊपर जाएगा, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, आई की एक प्लस होगा तो आई की वैल्यू टू होगी। तो एरे के टू इंडेक्स पे जब वो सीन करेगा, तो मतलब यूजर से वैल्यू इनपुट करेगा, तो सपोज करते हैं उसने थ्री इनपुट कर दिया। इस टाइम पे उसने क्या कर दिया, इस इंडेक्स पे थ्री इनपुट कर दिया, और इसके अंदर पहले सम के अंदर टू वैल्यू थी, जैसे ही टू प्लस थ्री फाइव, इस टाइम क्या हो गया फाइव। इसी तरह वो क्या करेगा, पांच आइट्रेशन कंप्लीट करेगा और जितना भी सम बनता जाएगा आपके क्या होगा, इस सम के वेरिएबल के अंदर आपका सारे नंबर्स का सम भी आता जाएगा। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है ना, तो जिस तरह हम क्लास में इसकी डिबगिंग करते हैं नोटपैड के अंदर, आप एक एक आइट्रेशन चला के देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। जब हमारे पास यहाँ पे सम के अंदर साथ सम भी आई जा रहा है और यहाँ हमने इनपुट में पांच वैल्यूज भी ले लिया है, तो देन हम क्या कर रहे हैं, एवरेज का वेरिएबल बनाया उसके अंदर क्या कर रहे हैं, तो एवरेज बेसिकली क्या होती है, उन तो जो भी आप नंबर पुट करते हो उन सबका सम करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर पुट करते हो। हम लोगों के पास सम तो यहाँ पे आ गया, तो हमने सिंपली क्या किया, सम डिवाइडेड बाय नंबर, हमने हमारे पास कितने, हमें पता है पांच का एरे है तो पांच ही नंबर है, तो हमने क्या किया, सम डिवाइडेड बाय फाइव। तो जो भी हमारे पास निकलेगी एवरेज, वो हमने कहां पे स्टोर कर दी, एवरेज के अंदर। तो सिंपल फिर बाद में हम कर रहे हैं कि सम इज सम के वेरिएबल को शो करवा रहे हैं, एवरेज इज एवरेज के वेरिएबल को। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। जैसे मैं रन कर रहा हूँ, कहता है एंटर वैल्यू, मैं पहले वन पुट करता हूँ फिर वन पुट करता हूँ। सपोज कहते हैं यूजर ने हर दफा वन पुट किया, तो कह रहा है द सम इज फाइव एंड द एवरेज इज वन।
ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 12 3 1 12 3 4 1 21 2, तो कहता है सम कितना बन रहा है 688 और उनका एवरेज कितना बन रहा है 137.6। तो ये इस तरह से आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं, मैं इस प्रोग्राम को रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम को मैं यहां पे पेस्ट करने लगा हूं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस प्रोग्राम में हमारे पास ये प्रोग्राम इसलिए है कि यूजर से हमने इनपुट लेना है मंथ कि वो कौन सा मंथ कर रहा है। सपोज करते हैं वो सेकंड मंथ ले रहा है और सेकंड मंथ का कितना दिन कह रहा है, जैसे वो कहते हैं सेकंड मंथ का फिफ्थ डे। तो हमारा प्रोग्राम यूजर को ये बताएगा कि आपको इस साल के अंदर इतने दिन हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके लिए किया कि एक डे का इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, जिसमें हम यूजर से पूछेंगे कि किस डे का आप देखना चाहते हैं, मंथ में आप वो उससे मंथ पूछेंगे। टोटल एक वेरिएबल लिया और एक एरे लिए इंटीजर टाइप की जिसका नाम रखा है डेज पर मंथ। इसके अंदर 12 हमने उसकी वैल्यूज रखी है और 12 वैल्यूज कौन सी है आपको पता है, जिस मंथ के अंदर जितने डेज हैं हमने वो वाली लिखी, जैसे जनवरी के अंदर 31 है, फेब के अंदर 28, मार्च के अंदर 31, इसी तरह हमने 12 मंथ्स के जितने भी डेज बनते हैं हमने इस एरे के अंदर सेव करवा लिया। यूजर से हम क्या पूछ रहे हैं, हम कहते हैं एंटर अ मंथ नंबर। अब कोई भी मंथ यूजर पुट कर सकते हैं, सपोज हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यूजर ने यह किया, यूजर ने कह दिया 2, ठीक है, उसने 2 पुट किया। जब यूजर ने 2 पुट कर दिया, फिर हमने पूछा कि एंटर अ डे नंबर, कि मंथ तो आपने दूसरा बता दिया है, दूसरे मंथ का कोई डे भी बताओ कि कितना दिन आपके गुजर चुके हैं। मैं कहता हूं उसने वहां पे भी क्या किया 2, कि फरवरी का दूसरा दिन गुजर चुका है। अब यहां पे हमने क्या किया है, टोटल के अंदर मैंने वैल्यू साइन करा दी है डे की। टोटल के अंदर क्या वैल्यू साइन करा दी है, डे की। डे के अंदर वैल्यू क्या हमने सपोज की थी 2, तो 2 हमारे पास टोटल में आ गया, मतलब टोटल के अंदर अभी 2 वैल्यू है। हमने लूप चला दिया इंटीजर x इज इक्वल टू 0, मतलब एक x वेरिएबल लिया, हम कहते हैं 0 से स्टार्ट हो, x लेस देन मंथ माइनस 1। मंथ के अंदर हमारे पास क्या था, 2 था ना हमारे पास, तो हमने इसको माइनस 1 क्यों कहा है, क्योंकि हमारा जो एरे है हमेशा हमें पता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें अगर 2 यूजर ने लिखा है ना तो हमें माइनस 1 करना पड़ेगा। इसकी लॉजिक मैंने पहले भी बताई है, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं कहता हूं कि मेरे पास एरे है, एरे हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये सपोज कर लेते हैं 31 है, 28 है, 31 है, फिर 30 है। अगर यूजर ने पुट किया ना सेकंड के मुझे मंथ नंबर 2 चाहिए, इसका मतलब है कि उसको ये फरवरी वाला चाहिए, ये वाला, लेकिन ये तो 1 इंडेक्स पे बनता है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, मंथ माइनस 1, मंथ में जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस 1 करूंगा, तो 2 माइनस 1 क्या वैल्यू बनती है 1, तो ये अब 1 नंबर वाला इंडेक्स आएगा जो यूजर ने चाहता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसकी मेन रीजन क्या थी, इसकी मेन रीजन ये थी हमारा जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। मैंने कहा कि उस वक्त तक चले जब तक मंथ माइनस 1 मतलब यहां तक चले मेरा, और एक्स प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करवा रहा हूं। एक उसके बाद क्या है, यहां पे वो कहता है कि टोटल को प्लस कर दो इज इक्वल टू जितने उसकी डेज है उसके अंदर। अच्छा, ये अगर आपको ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की समय नहीं लगती तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, ये बेसिकली क्या होता है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डेज पर मंथ का इंडेक्स नंबर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये मैं इसको साफ करके लिखता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ लगे। यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डेज पर मंथ का इंडेक्स नंबर एक्स। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, बिल्कुल सेम ही बात है। हम क्या चाह रहे हैं, हमें पता है कि टोटल के अंदर क्या वैल्यू है, अभी हमने टोटल के अंदर वैल्यू सेव करवाई क्या, डेज की 2। 2 के अंदर क्या सेव करवाया, वो वाला मंथ का नंबर, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 0 है तो 0 इंडेक्स पे क्या 31, तो 31 को हम सपोज कर लेते हैं पहली दफा उसने क्या करना है, जो भी वहां पे होगा उसने फर्स्ट टाइम पे क्या करना है 31 को
31 लिखना है, 31 प्लस टोटल, टोटल के अंदर क्या वैल्यू है, टोटल के अंदर हमारे पास 2 आ रही थी वैल्यू डे, तो 31 प्लस 2 क्या हुआ हमारे पास 33। फर्स्ट आइटरेशन में हमारे पास जो टोटल की वैल्यू आई हुई है वो क्या आई हुई है 33। सेकेंड आइटरेशन चलती है तो हमने उसको बताया कि इसने कहां तक चलना है, मंथ माइनस वन, मंथ टू था तो टू माइनस वन वन, मतलब एक दफा और चलेगा सिर्फ। तो यहां पे जब ये वाली आइटरेशन चलती है तो यहां पे एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 28, तो इस दफा फिर दोबारा जब चलेगा तो टोटल के अंदर वैल्यू 33 थी, 33 प्लस 28, ठीक है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है, हम कहते हैं 33 प्लस 28 तो ये 61 मंथ है। तो ये क्या करेगा, 33 प्लस 28 ये 61 को यहां टोटल में सेव करवा देगा और लास्ट में आपको ये कहेगा कि द नंबर ऑफ डेज इन दिस ईयर टिल दिस डेट जो आपने बताई है वो ये बनते हैं। एक दफा हम क्या करते हैं, एक दफा हम क्या कर रहे हैं, अब एक दफा इसको रन करके भी देख लेते हैं। हम कहते हैं एंटर द मंथ नंबर, तो हम मंथ नंबर लिखते हैं, मूवेबल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम कहते हैं 2, ठीक है सेकेंड मंथ ले रहे हैं और हम डे लिख रहे हैं, डे भी मैं कह रहा हूं 2, तो वो क्या कहता है द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज टिल इन दिस ईयर इज 33। तो अब वो क्या कह रहा है कि 33 डेज बने आपको यहां तक। ये 33 किस तरह से उसने बनाया है, उसने इस तरह से बनाया है कि उसने वहां पे कैलकुलेशन किस तरह से की है कि 33 आपका हमने जो किया था ना, हमने फरवरी का पूरा दिन को यूज कर लिया था, वो हमने गलत थोड़ी सी की कैलकुलेशन, ये पूरा दिन को नहीं यूज कर रहा है, जो फरवरी वाला मंथ है उसके अंदर तो सिर्फ 2 दिन इसने बताया है, डे के अंदर 2 बताया, तो इसने क्या किया, ये इसके 2 और जो फर्स्ट का 31, फर्स्ट में से 31 और सेकंड में से 2 आपका जो प्रोग्राम है सिर्फ उतने तक चलना है, ठीक है। हमने एक छोटी सी मिस्टेक आगे पीछे कर ली है, वो क्या की है, हमने जब बताया था कि हमारा जो ये चलना है मंथ माइनस 1 तक, मंथ के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 2, 2 माइनस 1 क्या हुई 1, तो हमारा जो वो चलना है 1 तक चलना है, एक्स लेस देन 1। यहां पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये कहां तक चलना है, हमने लिख दिया है कि एक्स लेस देन एक मंथ माइनस 1, और हमें पता है कि मंथ के अंदर क्या वैल्यू है, हमें पता है मंथ के अंदर 2 वैल्यू है, 2 माइनस 1, तो क्या हुआ x, ये अगर ये वाला लॉजिक देखोगे ना यहां पे तो आपको सारी समझ लग जाएगी, तो x लेस देन 2 माइनस 1 ये 1 बनता है, तो x लेस देन 1, तो अब क्या है, जब पहली आइटरेशन में तो उसका 0 था तो एक आइटरेशन में चल गया, जब वो 1 हुआ तो 1 लेस देन 1 तो नहीं हो सकता, तो हमने तो दूसरी आइटरेशन भी चला दी, वो तो हम वो चलते चलते हमने ये चीज को देखा नहीं कि दूसरी आइटरेशन ही चल सकती थी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई, ये सिर्फ एक दफा ही लूप चलेगी, क्योंकि इस केस के ऊपर एक दफा लूप चलेगी, और उसने हमें क्या दिया, एक दफा लूप चलाने से 33 दे दिया। अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज करता हूं, जैसे मैं कहता हूं 6 मैं मंथ कह रहा हूं और डे उसका क्या कह रहा हूं, थर्ड डे कह रहा हूं, तो अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आपको इतने 6 मंथ के थर्ड डे के अंदर अभी तक साल के स्टार्ट से लेके अभी तक 154 डेज हो गए। अगर हम आज की डेट का देख लेते हैं, आज मैं कहता हूं मंथ हमारा सेकंड चल रहा है और डेट 17 है, तो कहता है कि अभी तक 48 डेज हो चुके हैं, मतलब इस साल के 48 डेज कंप्लीट हो गए, तो आप ये वाला काम भी इजीली यहां से कर सकते हैं, ठीक है। वो एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी थी जिसमें मैंने वो ये चीज कंडीशन चेक नहीं की थी कि यहाँ कंडीशन फॉल्स और ये मैंने अगला चला दिया, तो इस वजह से हमारी कैलकुलेशन में हमने 66 किया, ये तो फिर अभी मैंने जब दोबारा देखा ना इसके आउटपुट से तो पता चला कि हमने वहां पे गलती की थी कि लूप चलनी है एक दफा, नेक्स्ट टाइम तो इसकी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, ठीक है। फिर भी अगर इस वाले प्रोग्राम में कोई इशू हो रहा तो आप लोग कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट प्रोग्राम हम कर लेते हैं, लास्ट प्रोग्राम में क्या है, हम लास्ट प्रोग्राम को पहले यहां पे पेस्ट करते हैं। लास्ट प्रोग्राम में वो पूछ रहा है कि आप अपनी मर्जी से लूप चला सकते हो जितनी दफा भी आप चलाना चाहते हो, मतलब आप कह रहे हो कि मैंने 5 नंबर बंदों का डाटा एंटर करना है तो आप 5 दफा लूप चला सकते हो, आप चाहते हो मैंने 2 बंदों का चलाना है आप 2 दफा चला सकते हो, 2 बंदे अगर आपने किए तो फिर आपने 2 बंदों की एज लेनी है, एज के अंदर क्या है आपने उसे कहना एज टाइप करो। अब दो जब उसने 2 एजेस करनी है तो हमने चेक करना है कि जो उसने 2 बंदों की एज की है
उसमें से कितने बंदे 50 से 60 की रेंज के अंदर आ रहे हैं जिनकी एज आ रही है, तो हमने ये उसको काउंट करके बताना है। सिंपल इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं इंटीजर एज के नाम से हम एरे ले रहे हैं और 150 हमने इसकी क्या ले लिया, लेंथ ले लिया। 150 लेंथ लेने का मतलब क्या है, क्योंकि हमें इस दफा फिक्स नहीं है कि हमारा कितनी दफा वो कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले तो होता है ना, मैं कहता हूँ 5 वैल्यूज ही लेनी है, 10 ही लेनी है, 20 ही लेनी है, इस दफा यूजर के ऊपर छोड़ा कि यूजर अगर चाहे ना कि 10 वैल्यू लेनी तो 10 ले सकता है, 100 चाहे तो 100 ले सकते हैं, इसलिए मैंने एक रैंडमली मैंने ज्यादा एक यहाँ पे लेंथ कर दिया कि 150। एज की मैंने एरे के अंदर क्या किया, 150 लेंथ कर वो कर दी है। उसके बाद मैंने आई की है लूप काउंटर के लिए, एन यूजर से इनपुट करानी है कि कितनी दफा लूप चलाना है, और काउंट के अंदर सबसे पहले मैंने ये कर दिया है 0 असाइन कर दिया है, क्योंकि इधर मैंने ये करना है काउंट करना है। सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ यूजर से कि सी आउट एंटर द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, आप कितने पर्सन रिक्वायर्ड है, आपने कितने का डाटा लेना है, तो आप यूजर बताता है 5 का लेना है, 2 का लेना है, 3 का लेना है, यहां से हमने एन के अंदर उसकी वैल्यू ले ली। फिर मैं कहता हूं सी आउट करो एंटर एजेस ऑफ एन पर्सन, मतलब आप उतने पर्सन की एजेस डालो जितने आपने यहां ऊपर बताए, अगर ऊपर आपने कहा ना 5 का डेटा चाहिए तो 5 की एजेस डालो, एन इस मैंने इसलिए लिखा है एन के अंदर वो वाले नंबर है जितने उसने लिखा होगा कि मुझे इतने का डेटा चाहिए। जब इसके पास ये डेटा आ जाएगा तो मैंने क्या किया, मैंने फोर लूप चलाई है, मैंने कहा फोर आई इज इक्वल टू जीरो, आई जीरो से स्टार्ट हो, आई लेस देन एन। इस टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि आई जो है ये 5 तक चले, 10 तक चले, 100 तक चले, मैं कह रहा हूं जितना यूजर ने नंबर कहेगा ना उतनी दफा आई चले, वो 2 तक चल सकती है, 1 दफा चल सकती है, 100 तक चल सकती है, तो मैंने कहा आई लेस देन 10 सॉरी एन और आई प्लस प्लस, और फिर मैंने कहा एक इंक्रीमेंट करवा दो। फिर मैं ये कर रहा हूं, मैं कहता हूं सी इन यूजर से वैल्यू इनपुट करवाओ, किसमें एज का जो एरे है उसके आई इंडेक्स पे, फर्स्ट टाइम 0 है तो फर्स्ट टाइम उसने यूजर से 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू करवानी है। साथ ही जैसे मैं इसे यूजर से वैल्यू इनपुट करवा रहा हूं, साथ में यहां पे एक इफ कंडीशन से एक चीज चेक भी कर रहा हूं। इफ कंडीशन के अंदर ये चीज लिखी हुई है इफ कंडीशन के अंदर, ठीक है, सीन करवा रहा हूं, साथ एक इफ कंडीशन है, इफ एज का जो आई इंडेक्स है, आई फर्स्ट टाइम 0 है तो एज का जो 0 इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, एंड मतलब या 50 से ग्रेटर है, एंड मतलब ये भी कंडीशन साथ ही चेक करेगा कि एज का जो 0 इंडेक्स है अगर वो लेस देन इक्वल टू 60 है, मतलब 50 से 60 की रेंज के अंदर है, तो क्या करो काउंट के अंदर काउंट प्लस 1 कर दो। काउंट के अंदर पहले वैल्यू क्या है, काउंट के अंदर पहले वैल्यू क्या है, हम लोग इसको सिर्फ वैसे ही समझने के लिए, काउंट के अंदर पहले वैल्यू 0 है जो कि हमने यहां पर की है, तो 0 प्लस 1 तो काउंट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट के अंदर वैल्यू हो जाएगी 1। उस केस के ऊपर होगी अगर तो जो यूजर इनपुट करता है एज के अंदर 50 या 60 के रेंज के अंदर आ रही, तब ये होगा। अगर यूजर 20 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, कुछ इस तरह का करता है जो 50 और 60 की रेंज में नहीं आ रहा, तो आपको पता है अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इफ की स्टेटमेंट को स्किप कर देते हैं। अगर सपोज करते हैं वो 18 करता है तो ये तो 50 और 60 की रेंज में नहीं आ रहा, तो सिंपल वो इनपुट करेगा, वो काउंट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आइटरेशन पे चल जाएगा, नेक्स्ट पे एक प्लस करेगा, दूसरी सपोज करते हैं फिर नहीं वो करता, फिर स्किप करेगा, फिर तीसरे आइटरेशन में, फिर कहते हैं कि सपोज करते हैं कि इस दफा वो क्या करता है 55 एंटर कर देता है जो कि 50 और 60 की रेंज में आता है, इस टाइम वो इफ स्टेटमेंट चलेगी और क्या होगा, इस टाइम वो वाला काम होगा कि काउंट के अंदर पहले 0 है वो एक प्लस करके काउंट में 1 प्लस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर सपोज करते हैं 56 कह देता है जो कि इसकी रेंज में आ रहा है, तो इस दफा पहले काउंट के अंदर 1 पड़ा हुआ था तो 1 प्लस 1 इस दफा 2 हो गया, इसी तरह जितनी दफा वो 50 से 60 रेंज के अंदर आता जाएगा वो क्या करता रहेगा, उसको एक एक करके काउंट करता जाएगा, और लास्ट पे हमने क्या किया है यहां पे कह दिया कि काउंट कर दिया काउंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है कितनी दफा काउंट हुआ है, तो सी आउट काउंट पर्संस आर बिटवीन 50 से 60। अगर हम लोग इसको चलाते हैं तो कहते हैं कितनी दफा चलानी, मैं कहता हूं कि मुझे 5 टाइम मैंने चलानी है, 5 टाइम चलानी है, वो कहता है कि एंटर एजेस ऑफ 5 पर्सन, मैं कहता हूं फर्स्ट की मैं 12 कह रहा हूं, देन मैं कह रहा हूं 50, देन मैं कह रहा हूं 34, फिर मैं कह रहा हूं 56, फिर मैं कह रहा हूं जैसे मैं कह रहा हूं फिर 11 कह रहा हूं। इसके अंदर देख लेते हैं पहले कि हमारे पास एक ये 50 की रेंज में एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, वो बता रहा है कि 2 पर्संस आर बिटवीन 50 से 60। हम लोग एक और दफा इसको रन करके वैल्यूज चेंज करते हैं, मैं इसको कहता हूं कि इस दफा ये 55 आया, सॉरी मैंने 55 कर लिया, इसने 55 दफा मुझसे वैल्यू पूछनी है, ये देखो मुझसे पूछी जाएगा 55 तक, जब तक मैं देता नहीं वैल्यूज उसने मुझसे पूछी जाए ना 55 तक वैल्यू। ये है कि आप अपना ये देखो मैं जितनी मर्जी दफा लूप किस तरह चला सकता हूं, इस तरह से
ठीक है, वो देने के बाद हम रिजल्ट भी आया और मैंने इतनी जल्दी स्किप कर दिया कि हमें नजर ही नहीं आया, हम दोबारा से एक दफा चला लेते हैं। इस दफा मैं कहता हूँ कि 3 वैल्यूज चाहिए, मैं कहता हूँ कि 55 फर्स्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू 44 और तीसरी वैल्यू क्या है 56 है, तो कह रहा है कि 2% आर बिटवीन 50 टू 60। तो इस तरह से आप ये वाला प्रोग्राम भी इजीली कर सकते हैं। आई होप तीनों प्रोग्राम्स की समय लग गई है, वीडियो काफी लंबी बन गया, लेकिन अगर आपको फिर भी समय नहीं लगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो हम उन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।